वेलकम बैक फ्रेंड्स, हम अपना वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, फाइनेंशियल और प्रॉपर्टी एडजस्टमेंट में। प्रॉपर्टी एडजस्टमेंट वाला पार्ट मैं ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, सीरीज ऑफ लेक्चर्स मैंने बनाए हैं, आप उनको जरूर सुने। फाइनेंशियल एडजस्टमेंट पार्ट में हम जो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनके साथ एमपीपीएफ नॉर्म्स और ड्राइंग पावर के बारे में डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं आप वो उनको सिक्वेंस में ही सुनिएगा, ताकि आपको पूरी हेल्प मिले, आप अंडरस्टैंडिंग बना पाए पूरे अच्छे से। तो हमारी जो ऑनगोइंग डिस्कशन थी प्रेजेंटली, वो डिस्कशन थी कि डिफरेंट टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अब रीजन क्या है कि हमने इस डिस्कशन को क्यों शुरू किया, क्योंकि हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में जो अपना ड्रॉइंग पावर वाला टॉपिक शुरू किया था, जिसमें हमने ये ड्रॉइंग पावर का जो फॉर्मूला है उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आउटस्टैंडिंग ऑफ जो अदर वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज होती हैं, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिजल्ट करती हैं स्टॉक डेटर्स और क्रेडिटर्स की फिगर्स को चेंज करने में, उनकी जो आउटस्टैंडिंग होती है हमने उसको माइनस करना होता है ड्रॉइंग पावर की कैलकुलेशंस में। अब इनकी मैंने एग्जांपल्स आपको बताई थी, जैसे ओडी लिमिट है, ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट लिमिट है, वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन है, पैकिंग क्रेडिट है, बायस क्रेडिट है, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटी है, सेल्स बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटी और मैनी अदर्स फैसिलिटी है। तो हमने इस चीज को बेस बना के अपना टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल प्रोडक्ट का जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कैश क्रेडिट लिमिट, ओडी लिमिट और डीओडी लिमिट के बारे में डिटेल डिस्कशन करके इनका डिफरेंस और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्लियर कर दिए थे। अब जो ये वाला वीडियो है इसके अंदर मैं WCDL फैसिलिटी को कवर करूंगा, जिसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन फैसिलिटी। अब वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन फैसिलिटी के बारे में जानने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि व्हाई दिस फैसिलिटी वाज स्टार्टेड। हम इस चीज के बारे में पहले समझना चाहेंगे। उसको समझने के लिए मेरे को आपको आपके लिए एक छोटा सा बेस तैयार करना पड़ेगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट की अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। आप इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए कि जब भी कोई बैंक किसी पर्सन को लोन देता है, तो बैंक ने उस बंदे से पैसे लेने हैं, तो जो लोन होता है वो बैंक की क्या होती है, एसेट होती है। तो जो बैंक की बैलेंस शीट बनती है, टी फॉर्मेट में नहीं होती वो बैलेंस शीट, उनका अलग फॉर्मेट है। जैसे ये एसेट साइड है, ये मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए समझा रहा हूँ, एसेट और लाइबिलिटी साइड है। तो यहाँ पे बैंक के लोन्स आ जाते हैं यहाँ पे, और जो ये अमाउंट होती है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ लोन्स। ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट प्रेजेंट करती है कि कितना लोन आउटस्टैंडिंग खड़ा है। तो अब ये अमाउंट का क्या रेलिवेंस रहता है कि जब बैंक के क्वार्टरली या एनुअल रिजल्ट्स पब्लिश होते हैं, तो जो रिजल्ट्स इनके आते हैं, तो जब उनकी जब बैलेंस शीट पब्लिश होती है, तो जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने बैंक के अंदर पैसा लगाया होता है उनकी इस फिगर के ऊपर खास नजर होती है। वो इस चीज को प्रीवियस क्वार्टर के साथ या प्रीवियस एनुअल जो रिजल्ट्स होते हैं उनके साथ इसको कंपेयर करते हैं कि बैंक के लोन्स की फिगर में क्या चेंज आया, बैंक ने कितने एसेट बनाए, कितने लोन्स और बांटे और उनकी क्या पोजीशन चल रही है। तो बैंक के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि जो लोन्स की यहाँ पे अमाउंट हो वो अच्छे से अच्छे दिखे और लोन्स उसके स्टैंडर्ड एसेट हो। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई। अब उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी लिमिट वाली फैसिलिटी पे, अब लिमिट वाली फैसिलिटी में क्या होता है कि बैंक ने सपोज ABC एंड कंपनी को ₹1 करोड़ की लिमिट सैंक्शन कर दी, पास कर दी कि आप 1 करोड़ तक की लिमिट से विड्रॉ डाउन कर सकते हो, 1 करोड़ की लिमिट का विड्रॉ डाउन कर सकते हो। अब लास्ट लेक्चर मैंने आपको सीसी लिमिट अकाउंट बताया था कि कैसे ऑपरेट होता है रनिंग अकाउंट में। तो अब फॉर एग्जाम्पल उसका जो एबीसी एंड कंपनी का सीसी लिमिट अकाउंट है, उसका बैलेंस है वो 20 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए यूटिलाइज है, यानी कि वो 1 करोड़ तक के पैसे निकाल सकता है, बट उसके 20 लाख रुपए की यूटिलाइजेशन निकल के आ रही है। तो दैट मींस जो एबीसी एंड कंपनी है वो लिमिट की जो यूटिलाइजेशन है वो लोअर साइड पे कर रही है, लिमिट की यूटिलाइजेशन जो है लोअर साइड पे कर रही है। तो जब बैंक ने उनको 1 करोड़ का लोन दिया था, तो बैंक ने तो सपने लिए थे कि भाई चलो ये 70 लाख रुपए, 80 लाख रुपए या 90 लाख रुपए तक एवरेज यूटिलाइजेशन तो करेंगे, क्योंकि एबीसी एंड कंपनी ने बैंक को यही समझाया था कि भाई हम तो यूटिलाइजेशन रखेंगे, हमको पैसे की जरूरत है। तो बैंक ने सोचा था कि इसके ऊपर मैंने 8% ब्याज भी कमाना है, तो
तो ये 70-80-90 लाख रुपए की फिगर मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जिसको हम एसओएच भी बोल देते हैं, कि जो आउटस्टैंडिंग जितना आपका एक्सपोजर खड़ा है, वो बैंक सोच रहा था कि यहाँ पे 70-80-90 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग भी दिखेगा, अब जब रिजल्ट मेरे पब्लिश होंगे तो ये अमाउंट बढ़ी हुई आएगी, तो जो मेरे स्टेक होल्डर्स हैं वो भी खुश हो जाएंगे कि भाई बैंक ने काम बहुत किया है, धंधा बहुत किया है। पर इंस्टेंट हुआ क्या कि जो मिस्टर ए हैं, जो मिस्टर एबीसी एंड कंपनी है, सॉरी, वो तो 20 लाख रुपए की लिमिट यूज कर रहे हैं। अब इसमें बैंक, इसमें जब एसओएच काउंट होएगा वो तो सिर्फ यहाँ पे तो 20 लाख रुपए ही आएगा बैलेंस शीट में, तो लोन्स वाले, इनको बैंक ने काम तो 1 करोड़ का किया, पर जब स्टेक होल्डर्स को दिखेगा कि बैंक ने काम कितना किया, 20 लाख रुपए का किया, और सेकेंडली बैंक को ब्याज कितने पे मिलेगा, 20 लाख रुपए की यूटिलाइजेशन पे मिलेगा, तो बैंक को इस चीज के ऊपर तो नुकसान हो रहा है ना। तो बैंक क्या चाहता है, व्हाट बैंक वांट्स, बैंक चाहता है, बैंक वांट्स कि जो कस्टमर है, जो बोरोवर है या कस्टमर है, वो डिसेंट लिमिट यूटिलाइजेशन करे, डिसेंट लिमिट यूटिलाइजेशन करे उन वो, ताकि इसमें बैंक की बैलेंस शीट भी अच्छी दिखे, बैंक का रिजल्ट्स अच्छे दिखे और बैंक को इंटरेस्ट की भी कमाई हो। तो इस चीज को करने के लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया, वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन का, वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन का यूटिलाइजेशन करवाने के लिए उन्होंने क्या बनाया, वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन का कॉन्सेप्ट बनाया। उन्होंने इसके अंदर क्या प्रावधान रखा, क्या इसके अंदर उन्होंने प्रोविजनिंग रखी, उन्होंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल आपको सीसी लिमिट 1 करोड़ रुपए की दे रहे हैं, सीसी लिमिट 1 करोड़ रुपए की दे रहे हैं, तो उसकी जो सब लिमिट है, सब लिमिट है WCDL, वो दे रहे हैं आपको 80 लाख रुपए की, 80 लाख रुपए की सब लिमिट दे रहे हैं, तो ये आपको दे रहे हैं 90 डेज के लिए, 90 डेज के लिए। तो ये अलग अलग बैंक में अलग अलग नॉर्म्स है, कोई बैंक 90 डेज के लिए दे सकता है, ज्यादा टाइम के लिए भी दे सकता है, कम टाइम के लिए भी दे सकता है, कोई बैंक ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि ये लिमिट का सिर्फ 80% ही हो सकता है, कोई बैंक कहता है कि ये 100% भी हो सकता है, तो अलग अलग बैंक के अलग अलग रूल्स हैं इस मैटर के रिगार्डिंग। तो अब ये बैंक इस तरह से प्रावधान आपका बना देता है और साथ में कहता है कि 90 दिन के बाद आपको बुलेट रिपेमेंट करनी पड़ेगी, बुलेट रीपेमेंट करनी पड़ेगी, और आपका जो ये WCDL है वो अकॉर्डिंगली खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, मैं आपको बताता हूं कि आपके क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मेन लिमिट एंड सब लिमिट, मेन लिमिट एंड सब लिमिट की, आपने बताया कि मेन की सब लिमिट बना दी, मेन लिमिट एंड सब लिमिट का क्या कंसेप्ट होता है। ठीक है जी, सेकेंड आपका क्वेश्चन आ रहा है कि बुलेट रीपेमेंट क्या होती है, बुलेट रीपेमेंट क्या होती है, तो वो कस्टमर कैसे करेगा। थर्ड आपका क्वेश्चन है कि बैंक की जो WCDL है वो ऑपरेट कैसे होता है। फोर्थ आपका क्वेश्चन है कि कस्टमर कस्टमर क्यों अवेल करेगा WCDL को, क्यों लेना चाहेगा WCDL को। ये तो हम बैंक के फायदे की बात कर रहे हैं कि बैंक को इंटरेस्ट की कमाई होगी, बैंक की बैलेंस शीट में एसेट की यूटिलाइजेशन आएगी, तो ये तो हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, हम ये बात नहीं कर रहे कि कस्टमर को क्या फायदा होगा, कस्टमर इस चीज को क्यों लेना चाहेगा, ये सिर्फ बैंक के फायदे के लिए तो लेना नहीं चाहेगा कस्टमर इस चीज को। तो अब हम इस चीज के बारे में डिटेल अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं आपकी। सबसे पहले तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ कि मेन लिमिट और सब लिमिट का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे पहले समझिए मेन लिमिट एंड सब लिमिट का क्या कॉन्सेप्ट होता है। बैंक कहता है कि मैंने आपको सीसी लिमिट या ओडी लिमिट, ठीक है जी, वो मैंने आपको 1 करोड़ रुपए की दे दी, 1 करोड़ की सीसी या ओडी लिमिट मैंने आपको सैंक्शन कर दी है। तो बैंक कहता है कि आप 1 करोड़ तक का पैसा मेरे अकाउंट से आप अपने अकाउंट में यूज कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो बैंक आके कस्टमर को कह रहा है कि क्यों ना मैं आपको एक ऑप्शन दूं कि आप निकाल तो 1 करोड़ ही सकते हो, पर 1 करोड़ में से आप 80 लाख रुपए जो है, 80 लाख रुपए जो है वो वन शॉट में WCDL के रूप में निकाल लो, और जो 20 लाख रुपए हैं वो सीसी लिमिट के रूप में ही यूज करते रहो, जैसे जो मैंने लिमिट आपको दी हुई है। तो दैट मींस बैंक कह रहा है कि आपका जो टोटल लोन है वो चेंज नहीं होएगा, जो आपकी मेन लिमिट है वो चेंज नहीं होगी, विद इन दैट मेन लिमिट मैं आपको एक सब लिमिट दे रहा हूँ, एक सेकेंड ऑप्शन दे रहा हूँ कि उस 1 करोड़ की लिमिट को हम ब्रीच नहीं करेंगे, उसको तोड़ेंगे नहीं, उसके अंदर अंदर ही आप 80 लाख रुपए WCDL में यूज कर लीजिए और 20 लाख रुपए सीसी लिमिट में यूज कर लीजिए। अगर कोई कस्टमर कहता है कि सर मैं 80 लाख नहीं यूज करना चाहता, मैं 70 लाख यूज करना चाहता हूँ, तो आप 70 लाख इसमें यूज कर लीजिए, 30 लाख इसमें कर लीजिए, 60 लाख इसमें यूज कर लीजिए, 40 लाख इसमें यूज कर लीजिए, ये कॉम्बो पॉसिबल है आप। पर ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें आप डिमांड करें कि मैंने 85 लाख यूज करने, क्योंकि मैंने आपको लिमिट कितने दी है ये वाली WCDL की, 80 लाख रुपए,
लाख रुपए की लिमिट दी है ना मैंने आपको, तो आप 80 लाख से ज्यादा नहीं ले सकते इसको, तो ये चीज 85 लाख रुपए यूज करना पॉसिबल नहीं है। या आप ये नहीं बोल सकते कि भाई इसमें से मैं 80 लाख रुपए यूज कर रहा हूं और इसमें ये जो लिमिट है वो मैं 30 लाख रुपए यूज कर रहा हूं, तो ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये आपकी टोटल अमाउंट कितनी बन गई, 1 करोड़ 10 लाख रुपए, पर मैंने आपको कितनी अमाउंट टोटल सेंक्शन करी हुई है, 1 करोड़ रुपए। तो विद इन दैट 1 करोड़ रुपीज आप 80 लाख रुपए WCDL यूज कर सकते हो। समझ में आ गई बात? तो ये होता है कंसेप्ट मेन लिमिट का। ये होगी मेन लिमिट, ये होगी सब लिमिट। सब लिमिट कि उस मेन लिमिट के विदिन हम ये यूज एक्स्ट्रा कर सकते हैं, अगर हमने ये यूज कर दिया तो बैलेंस जो है वो हम इस शेप में यूज कर सकते हैं। समझ गए आपकी आप मेरी बात? तो अब पॉइंट ये आता है कि कस्टमर क्यों लेना चाहेगा ये बैंक, कस्टमर ये बोलेगा कि सर मैं 1 करोड़ रुपए यही सीसी लिमिट यूज कर लेता हूं, मैं 80 लाख रुपए WCDL यूज नहीं करता, मेरी मर्जी है ये, तो मैं तो चाहे इसको 0 यूज करूं और इसको 100 यूज करूं, ये तो मेरी मर्जी है। बैंक कहता है बिल्कुल सही बात है सर, आपकी मर्जी है, आपको लिमिट दी हुई है, आपकी मर्जी है। पर बैंक आपको ये चीज बोलेगा कि सर अगर आप सीसी लिमिट यूज करते हो, सीसी लिमिट के ऊपर हम आपसे लेंगे 8% ब्याज, सीसी लिमिट के ऊपर हम लेंगे आपसे 8% ब्याज, बट अगर हमारी आप ये वाली फैसिलिटी यूज करते हो तो इसके ऊपर हम आपसे लेंगे 7.5% ब्याज। तो ये कस्टमर को लालच दिया जाता है बैंक की तरफ से, तो इस वजह से ही सिर्फ कस्टमर इसको अवेल करना चाहता होता है कि मेरे को अगर 1 करोड़ तो मैंने यूज करना ही करना है, अगर उसके भीतर मेरे को 80 लाख रुपए के ऊपर सिर्फ 7.5% ब्याज पड़ रहा है तो मैं क्यों ना इसको यूज कर लूं और बाकी पे 8% ब्याज पे करूं। तो बैंक इस तरह से कस्टमर को लालच देता है। तो अब हमने ये समझना है कि WCDL जो है वो ऑपरेट कैसे करता है, इसका ऑपरेशन कैसे होता है, और ये बुलेट रिपेमेंट जो है वो मैं इसी के अंदर कवर कर दूंगा कि बुलेट रिपेमेंट कैसे होती है। तो अभी इसका ऑपरेशन समझते हैं डिटेल में, इसका ऑपरेशन समझते हैं डिटेल में WCDL का। WCDL ऑपरेशन, WCDL का ऑपरेशन कैसे होता है। सबसे पहले कि कस्टमर को नीड है WCDL यूज करने की, तो कस्टमर बैंक को रिक्वेस्ट करता है, कस्टमर बैंक को रिक्वेस्ट प्लेस करता है रिटर्न में कि मेरे को WCDL फैसिलिटी, WCDL फैसिलिटी विद इन द मेन लिमिट ऑफ CCOD लिमिट यूज करनी है, यूज करनी है, बैंक रिटर्न रिक्वेस्ट देता है। तो फिर बैंक का जो आरएम होता है, बैंक का जो आरएम होता है वो उसकी रिक्वेस्ट को आगे फर्दर लेके जाता है। तो अब कैसे ये सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है, अब जैसे मान लो कस्टमर का एक सीसी लिमिट अकाउंट है, सीसी या ओडी लिमिट अकाउंट है, सीसी लिमिट अकाउंट है, ठीक है जी, सीसी लिमिट अकाउंट है ये, जैसे इसके अंदर बैलेंस है, बैलेंस है मान लो 1 करोड़ की लिमिट है, तो इसके अंदर बैलेंस है 90 लाख रुपए यूटिलाइज्ड है, 90 लाख रुपए डेबिट बैलेंस है। अब ये सीसी अकाउंट का नंबर है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये अकाउंट नंबर है, ठीक है जी, 90 लाख रुपए का बैलेंस है एज ऑन 31 मार्च 2021, ठीक है जी। अब कस्टमर के पास कस्टमर ने बैंक को रिक्वेस्ट की कि मैंने आपने मेरे को 1 करोड़ की लिमिट में से 80 लाख रुपए का WCDL का यूज करने का ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं वो 80 लाख रुपए यूज करना चाहता हूं, तो आप कृपया करके मेरे को वो 80 लाख रुपए दे दिए जाए। तो बैंक का आरएम जब रिक्वेस्ट प्लेस करेगा तो कस्टमर का एक WCDL अकाउंट ओपन हो जाएगा, WCDL अकाउंट ओपन हो जाएगा, उसका एक अलग आइडेंटिटी नंबर होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 DL 4 5 6 ऐसे करके, एक अलग हर एक WCDL का एक अलग अकाउंट नंबर ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये अकाउंट ओपन हो गया, तो अब मैंने आपको समझाया था कि जो WCDL होता है वो मेन लिमिट की ही सब लिमिट होती है, वो मेन लिमिट की ही सब लिमिट होती है, इसी का ही पार्ट होता है सीसी लिमिट का। तो यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे क्या होएगा कि कस्टमर को WCDL डिसबर्स हो जाएगा, WCDL डिसबर्स हो जाएगा 80 लाख रुपए का, यहाँ पे 80 लाख रुपए डेबिट खड़े हो जाएंगे, यहाँ पे 80 लाख रुपए डेबिट खड़े हो जाएंगे, ये डिसबर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आप पूछेंगे कि सर ये यहाँ पे 90 लाख रुपए यूज हैं, यहाँ पे 80 लाख रुपए डेबिट आ गए, ये तो 1 करोड़ 70 लाख रुपए यूज कर लिया, पर आपने तो बोला था कि हम 1 करोड़ से ज्यादा यूज कर नहीं सकते क्योंकि मेन लिमिट तो 1 करोड़ रुपए की है। तो भाई जो जब ये WCDL डिसबर्स होता है तो ये डिसबर्स होता है टू सीसी लिमिट अकाउंट नंबर, टू डिसबर्स्ड टू 1 2 3 4 5 6 अकाउंट नंबर, ठीक है जी। इस तरह से डिसबर्स होता है ये 80 लाख रुपए, ये मान लो 1 अप्रैल 2021 को डिसबर्स हो गया 80 लाख रुपए, तो 1 अप्रैल 2021 को यहाँ पे क्रेडिट एंट्री आ जाएगी WCDL डिसबर्स, WCDL डिसबर्स
वन टू थ्री, उसका अकाउंट नंबर आ जाएगा 1 2 3 DL 456, ऐसे करके एंट्री आ जाएगी 80 लाख रुपए के क्रेडिट की। ठीक है जी, 80 लाख रुपए के क्रेडिट की एंट्री आ गई, तो आपका यहाँ पे बैलेंस, सॉरी यहाँ इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, 80 लाख रुपए को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा बैलेंस, बैलेंस वाला कॉलम है ना, तो 80 लाख रुपए की क्रेडिट एंट्री आ गई यहाँ पे, 80 लाख रुपए की क्रेडिट एंट्री आ गई, तो 90 लाख रुपए डेबिट था, यहाँ पे 80 लाख रुपए जमा हो गया, तो यहाँ पे कितना यूटिलाइजेशन रह गया, 10 लाख रुपए, यहाँ पे 10 लाख रुपए जमा हो गया, 10 लाख रुपए यूटिलाइजेशन रह गई, तो एक अलग अकाउंट नंबर खुल जाता है WCDL का 80 लाख रुपए का, और 80 लाख रुपए की जो डिसबर्समेंट है वो सारी कहाँ पे आ जाती है, यहाँ से डेबिट बचती है, यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, यहाँ से निकल के यहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है, तो यहाँ पे बैलेंस कम हो जाता है, यहाँ पे बैलेंस बढ़ जाता है, तो नटशल में तो इम्पैक्ट सेम ही रहा ना, नटशल में तो 90 लाख रुपए यूटिलाइज रहे, 80 लाख रुपए यहाँ से निकले, यहाँ पे क्रेडिट हो गए, यहाँ पे जो 90 लाख रुपए यूटिलाइज थे वो 80 लाख रुपए से कम हो गए, और जो 80 लाख रुपए का डिफरेंस था उसको एक अलग अकाउंट में खड़ा कर दिया उन्होंने ले जाके, ये WCDL अकाउंट अब बन गया 1/4/2021 को। इसका टेन्योर कितना रहता है दोस्तों, 90 डेज का टेन्योर रहता है, 90 डेज का टेन्योर रहता है इसका। अब जो 80 लाख रुपए है, अब यहाँ पे जो लिमिट का 10 लाख रुपए पड़ा है, तो 1 करोड़ की टोटल लिमिट है, तो ये यहाँ पे जो लिमिट है वो 20 लाख रुपए से ज्यादा नहीं यूज कर सकता, वो यहाँ पे लिमिट 20 लाख रुपए से ज्यादा नहीं यूज कर सकता, क्योंकि 80 लाख रुपए तो उसकी यहाँ पे खड़ी है, तो जो बैंक का सॉफ्टवेयर है वो टोटेलिटी में देखेगा इसको, वो टोटेलिटी में देखेगा कि यहाँ पे जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग आ रहा है प्लस ये जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग है दैट शुड नॉट एक्सीड रुपीज वन करोड़, ये आउटस्टैंडिंग कभी 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए इन दोनों का टोटल। यहाँ पे जैसे डेटर से पेमेंट आएगी, क्रेडिटर्स को पेमेंट जाएगी, तो ये बैलेंस 10 लाख रुपए का जो है हिलता जुलता रहेगा, तो ये मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का डेबिट जा सकता है, क्योंकि 80 लाख इधर पड़े हैं, 20 लाख इधर, तो टोटल 1 करोड़ को हम ब्रीच नहीं कर सकते, 1 करोड़ को हम ब्रीच नहीं कर सकते। सर फिर इसका इंटरेस्ट का कैसे होता है, इंटरेस्ट कैसे डेबिट क्रेडिट होता है इसका, तो दोस्तों इसका जो इंटरेस्ट होता है WCDL का, WCDL का जो इंटरेस्ट होता है वो CC लिमिट अकाउंट में डेबिट हो जाता है, वो CC लिमिट अकाउंट में डेबिट हो जाता है। जैसे 1 अप्रैल 2021 है, 30 अप्रैल 2021 को, 30 अप्रैल 2021 को दो एंट्रीज पड़ेंगी, इंटरेस्ट ऑन CC, जो ये 20 लाख रुपए तक की CC बची थी जिसके ऊपर 8% के हिसाब से ब्याज था, मैंने बताया था ना कि WCDL पे तो सस्ता ब्याज मिलता है, तो इंटरेस्ट ऑन CC पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपये पड़ गया, जस्ट एग्जाम्पल है, और एक पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन WCDL, ये कंप्यूट होएगा आपका 80 लाख रुपए के ऊपर 1 महीने का ब्याज 7.5% के हिसाब से, ठीक है जी, ये मान लो आपका 1500 रुपए पड़ गया, तो इस तरह से इसके ऊपर ये इंटरेस्ट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा आपके लिमिट अकाउंट के अंदर, यहीं पे डेबिट होता रहेगा। ये अकाउंट आपका जो है जैसे 1/4/2021 को स्टैंड हुआ था, ये एज इट इज चलता जाएगा। अब जब इसके 90 डेज एक्सपायर होंगे, 90 डेज जब एक्सपायर होंगे, 90 डेज कब एक्सपायर होने हैं, 30 जून को जब 90 डेज एक्सपायर हो रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि बुलेट रीपेमेंट होती है, बुलेट रीपेमेंट मतलब वन शॉट में रीपेमेंट होती है। तो रीपेमेंट कैसे होगी, यहाँ पे तो मैंने आपको बताया था ना कि मान लो 30 जून 2021 आ गई, तो यहाँ पे तो आपकी जो यूटिलाइजेशन है वो 20 लाख रुपए से ज्यादा तो जाएगी नहीं, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 20 लाख रुपए से ज्यादा यूटिलाइजेशन तो जाएगी नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एंट्री डेबिट होगी, डेबिट टू WCDL अकाउंट, पहले यहाँ पे क्रेडिट हुई थी ना, अब डेबिट बजेगी, डेबिट टू, यही एंट्री वापस चली जाएगी, डेबिट टू WCDL अकाउंट 1 2 3 DL 456, कितना 80 लाख रुपए, 80 लाख रुपए का डेबिट बजेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिमिट हो जाएगी 1 करोड़ रुपए की यूटिलाइज्ड, 1 करोड़ रुपए की यूटिलाइज्ड, और यहाँ पे 30 जून को क्रेडिट आ जाएगा, क्रेडिट फ्रॉम सीसी 1 2 3 4 5 6, क्रेडिट फ्रॉम सीसी 80 लाख रुपए, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ 80 लाख रुपए, तो यहाँ पे जो बैलेंस क्या है वो क्या हो जाएगा, निल हो जाएगा, क्योंकि 80 लाख रुपए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग खड़ा था, 80 लाख रुपए यहाँ से निकल के यहाँ पर आ गया, पहले उल्टा गया था, यहाँ से निकल के यहाँ आया था, अब क्या हो रहा है, अब यहाँ से निकल के यहाँ पे गया, ठीक है, तो यहाँ से जब यूज हो गया तो यहाँ पे जो यूटिलाइजेशन है वो पूरी 1 करोड़ की आ गई, प्रोवाइडेड यहाँ पे 20 लाख की यूटिलाइजेशन थी, और यहाँ पे क्रेडिट हो गया, यहाँ पे पहले ही 80 लाख यूज था, तो ये नॉक ऑफ हो गया, तो ये आपकी 80 लाख रुपए की ये हो गई बुलेट रिपेमेंट आफ्टर 90 डेज, बुलेट रिपेमेंट आपकी 90 डेज के बाद यहाँ पे हो गई, तो आपका ये अकाउंट नॉक ऑफ हो गया, ठीक है जी। अब मान लो अगला महीना शुरू हुआ 1 जुलाई 2021 का, क्योंकि अब आपका पुराना WCDL क्लोज हो चुका है,
पुराना WCDL क्लोज हो चुका है, अब आप न्यू WCDL की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। जब आप न्यू WCDL की रिक्वेस्ट डालेंगे तो फिर यहाँ पे अगेन WCDL की क्रेडिट एंट्री आएगी 80 लाख रुपए की, यहाँ पे 20 लाख यूटिलाइज रह जाएगा। अब की बार WCDL का एक और अकाउंट ओपन होगा, याद रखिए कि हमेशा ये अकाउंट डिफरेंट होता है हर डिसबर्समेंट के साथ, ये हमेशा डिफरेंट होता है। अब ये मान लो 2123 DL, पहले 456 था, अब 467 है फॉर एग्जाम्पल, तो इस तरह से अकाउंट ओपन हो जाएगा, ये 90 डेज के पीरियड के लिए यहाँ पे ओपन हो जाएगा अकाउंट, ठीक है। तो ये सारा फ्लो फिर से चलता रहेगा, यहाँ से डेबिट एंट्री आएगी, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी, 90 दिन बाद यहाँ से डेबिट होगी, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी, ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा, ये अकाउंट रनिंग में आ जाएगा फिर से। तो ये साइकिल अकॉर्डिंगली ये चलता ही रहता है WCDL के अंदर। तो आप इस मेथोडोलॉजी को समझ गए कि WCDL किस तरह से ऑपरेट करता है। तो अब हमारी रिकमेंडेशन क्या है, रिकमेंडेशन से पहले चलो ये चीज आप समझ लीजिए कि जो मैं आपसे ये टॉपिक डिस्कस कर रहा था, ये जो मैं आपको कहानी सारी सुना रहा था कि बैंक की ऐसे मंथ एंड पे यूटिलाइजेशन होती है, उसका रिजल्ट आने होते हैं, तो स्टेक होल्डर्स को देखना होता है कि कितने एसेट। तो जब आप दोस्तों ये आप देखोगे कि अगर बैंक ने किसी क्लाइंट को WCDL दे दिया 80 लाख रुपए का, तो ये 80 लाख रुपए 90 दिन के बाद ही नॉक ऑफ होने दोस्तों, ये बीच में क्लाइंट बंद नहीं करा सकता, ये आप एक महीने बाद, वन मंथ के बाद क्लोज नहीं करा सकते, ये आप 90 डेज बाद के बाद ही क्लोज कराएंगे। तो आप एक चीज समझिए कि 80 लाख रुपए के ऊपर तीन महीने के लिए बैंक का 7.5% का ब्याज तो पक्का हो गया ना इनकम, ये इनकम तो कंफर्म हो गई ना, क्योंकि क्लाइंट पहले इसको बंद करवा नहीं सकता, करवाएगा तो उसको थोड़ी सी पेनल्टी या प्रीक्लोजर चार्जेस देने पड़ेंगे। तो 3 महीने के लिए 80 लाख रुपए के ऊपर बैंक का 7.5% की इनकम कंफर्म्ड होगी ना, कहां अगर वो सीसी लिमिट में ऑपरेट करता रहता, इसको डेटर से जैसे अगर 1 करोड़ रुपए आज की डेट में यूटिलाइज है, इसको मान लो कल डेटर से पेमेंट आ जाती 50 लाख की, तो यहाँ पे 50 लाख यूटिलाइज हो जाते तो बैंक को 50 लाख के ऊपर ही कमाई होनी थी ब्याज की। कहां WCDL डिसबर्स करने से बैंक को ये कंफर्म हो गया कि 80 लाख रुपए के ऊपर, 80 लाख रुपए जो मैंने 3 महीने के लिए उसको दे दिए, ये 80 लाख रुपए के ऊपर मैं 3 महीने के लिए 7.5% तो कमाऊंगा, चाहे उसके सीसी लिमिट में इतनी पेमेंट क्रेडिट हो जाए कि उसका सीसी लिमिट बैलेंस क्रेडिट में ही चला जाए। समझ गए ना, एक तो बैंक को ये इनकम कंफर्म होगी कि मेरा ये इनकम कंफर्म हो गई, और बैंक का 80 लाख रुपए का जो यूटिलाइजेशन है ये भी तो 3 महीने के लिए कंफर्म होगी ना, जब बैंक की बुक्स बनेंगी तो ये 80 लाख रुपए बैंक के लोन्स वाली एसेट वाली साइड पे शो होंगे ही होंगे। तो दो फायदे हो गए, एक तो बैंक को 3 महीने के लिए कंफर्म हो गया कि मेरी इतनी कमाई हो चुकी है 7.5% की, अब ये क्लाइंट इसमें से बच के नहीं निकल सकता, और सेकेंडली जो 80 लाख रुपए हैं वो मेरी बैलेंस शीट में यूटिलाइजेशन दिख जाएगी लोन्स की, और मेरा जो एसेट बेस है वो बढ़ा हुआ दिखेगा स्टेक होल्डर्स को। तो इन्हीं दो कारणों की वजह से बैंक कस्टमर को लालच देता है कि आप इसको हमसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले लो, तो बैंक इसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देने के लिए कस्टमर को लालच देता है। तो कस्टमर नॉर्मली इस बात में आ भी जाते हैं। हमारी रिकमेंडेशन क्या है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी रिकमेंडेशन ये है कि अगर तो आपकी जो लिमिट यूटिलाइजेशन है, कस्टमर को मैं ये बोलूंगा कि अगर तो आपकी लिमिट यूटिलाइजेशन 80% तक, आपको ये एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट जो 3 मंथ्स हैं वो मेरी लिमिट जो है 80% तक यूज रहेगी ही रहेगी, नेक्स्ट 3 मंथ्स मेरी लिमिट 80% यूज रहेगी रहेगी, इससे कम यूज नहीं होगी, तो आप बैंक को डेफिनेटली बैंक को रिक्वेस्ट कीजिए WCDL के लिए, ताकि आप वो 80% यूटिलाइजेशन पे एटलीस्ट कम ब्याज पे पैसा यूज कर पाए। बट अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपका अगर सीजन पीरियड है, आपका जो नेक्स्ट 3 मंथ्स का जो सीजन है उसमें आपको सिर्फ पेमेंट्स आनी या नहीं है, सिर्फ पेमेंट्स ही क्रेडिट होनी है, आप माल बेच चुके हो, सिर्फ आपको अपनी पार्टी से पेमेंट आनी है, मान लो सर्दियों का काम है आपका, सर्दियों का कपड़ा बनाते हैं और जनवरी फरवरी मार्च का टाइम है, आपको पता है कि जनवरी फरवरी मार्च के टाइम पे आपको सारे अपने सर्दियों की जो कपड़ा बेचा होता है माल, उसकी पेमेंट्स आ जाती है। तो 3 महीने अगर आपको पेमेंट्स आने वाली है तो 3 महीने तो आपकी 80% यूटिलाइजेशन तो रहेगी नहीं, आपकी यूटिलाइजेशन तो ओवरऑल कम हो गए 20-30-40% पे भी जा सकती है। तो तब फिर आप WCDL यूज क्यों करोगे, तब आपको WCDL यूज करने का फायदा ही नहीं है। आप बोलोगे कि मैं तो पहले ही 20-40% लिमिट पे 8% ब्याज दे दूंगा, मैं 80% लिमिट को ब्लॉक करके क्यों बैठूं, समझ गए ना आप। तो आप ये लॉजिक दे सकते हो, आप इस लॉजिक से WCDL को लेने से मना कर सकते हो, या आप बैंक के सामने ऑप्शन रख सकते हो कि आप मेरे को 80% WCDL ना दीजिए, मेरे को एक्सपेक्टेड है कि मेरी नेक्स्ट 3 मंथ्स में 40% यूटिलाइजेशन ही रहेगी, आप सिर्फ 40% दे दीजिए, यानी 1 करोड़ का 40% 40 लाख रुपए का WCDL दे दीजिए मुझे। अगर आप इस तरह से नेगोशिएट कर सकते हैं तो ये तो और भी अच्छी बात है। तो बेसिक जो WCDL का नॉर्म है बैंक का, तो चलो फायदा ही फायदा है WCDL का कि बैंक को इंटरेस्ट की इनकम कन्फर्म हो जाती है, और साथ में उसको
अपनी जो लोन की यूटिलाइजेशन है वो उसकी बुक्स में आ जाती है। बट जब कस्टमर का बोरोर का पॉइंट ऑफ व्यू आता है तो मैं उनको यही बोलूंगा कि भाई आप अपना प्रोजेक्शन लगा के चलिए कि जो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी जो लिमिट्स की यूटिलाइजेशन है, कि आपको एक्सपेक्टेड है कि वो लिमिट की यूटिलाइजेशन आपकी रहेंगी रहेंगी 30-40% या 80%। अगर आपको लगता है कि रहेगी ही रहेगी तो फिर आप डेफिनेटली WCDL का ऑप्शन चूज कीजिए, उसको यूज कीजिए और कम ब्याज बैंक को सेम अमाउंट यूज करने के लिए कम ब्याज दीजिए। तो यही तो ये WCDL जो काइंड ऑफ सीसी लिमिट का ही पार्ट है, तो इसलिए इसको हम सब लिमिट ही बना के चलते हैं, हमेशा इसको सब लिमिट ही बना के चलते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी हम नेक्स्ट जो वर्किंग कैपिटल प्रोडक्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।